हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. आई वांटेड टू कम ऑन द डे आई रिटर्न फ्रॉम लखनऊ टू टॉक अबाउट माय यू नो सॉर्ट ऑफ माय ओन अंडरस्टैंडिंग ऑन द थर्ड फेज ऑफ यूपी इलेक्शंस. लेकिन वो हो नहीं पाया चूँकि कुछ एक के बाद एक चीज़ें होती गई, तो फिर वो हमारी बात नहीं हो पाई. थर्ड फेज के जो इलेक्शंस में आपको पता है कि जो की एरियाज थे उसमें लखनऊ था, इटावा था, मैनपुरी है, या फिर सैफई गांव पकड़ ले जो आम मुलायम सिंह यादव का है, या कन्नौज है, उन्नाव है, कानपुर है, तमाम इलाकों में हुए. मैंने कुछ देर पहले जो ट्वीट किया था उसमें अरिंदम मेहता जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन, होप यू गाइज आर ऑल्सो वेरी वेल. धीरज बंसल पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ द यूपी. ओवरऑल तो खैर बहुत मुश्किल है, अभी तो तीन हुए हैं और तीन तीसरे फेज के बाद से मैं ये कहना चाह रहा था. उन्मेश सिंगल, थैंक यू, हेलो रिफत, हेलो उन्मेश. तीसरे फेज के बाद से आई एम कन्फ्यूज्ड, बिकॉज बहुत ही चौंकाने वाले मुझे ट्रेंड मिले, काफ़ी चौंकाने वाले ट्रेंड मिले. यासिर एमबी कह रहे हैं, हाय रिफत जी, वॉचिंग यू फ्रॉम दुबई, थैंक यू वेरी मच, होप दुबई इज वेल, आई एम मिसिंग दुबई, विल कम टू दुबई सून एंड इट विल बी नाइस टू कैच अप विद यू गाइस. आपका दौरा कैसा चल रहा है दादा? अरिंदम दा भालो ही चलचे. मैंने अभी कहा अरिंदम को कि अच्छा ही चल रहा है. तो मैं कब परसों लौटा था, तो मैं जो ये कहना चाह रहा था कि काफ़ी चौंकाने वाले आए. देखिए, पहले फेज में हमें यह लगा कि जैसे जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, बीजेपी के जो जाट वोट हैं, उन्होंने बीजेपी के से उनको बीजेपी से नाराज़गी थी, या फिर वो जो वाल्मीकि हैं जो उनको बीजेपी से भी नाराज़गी थी, तो इन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे. मनीष बोले, कैन यू बी क्लियर हु इज लीडिंग इन ट्रेंड्स? मनीष जी, मैं आ रहा हूँ, कीप वॉचिंग, आई एम कमिंग टू दैट ओनली, एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली लिसन टू इट, बिकॉज you know, I myself am shocked, you know, about the completely different trend, you know, in the third phase compared to the first two phases. So please keep watching and I'll come to that, because I have to put everything in context. Agar maine context mein nahi dala to uske galat maane aur galat you know interpretation diye ja sakte hain. So jo pehle do phase mein jo aapne dekha tha ki phase 1 mein वेस्टर्न यूपी का जो था उसमें ये कहा जा रहा था कि जो राजीव यादव, पॉलिटिक्स इज अबाउट कास्ट एंड सो इज विक्ट्री, यू नीड 25-30% वोट्स टू विन एन इलेक्शन, काइंडली टेल विच कास्ट हैज वोटेड इन लार्ज नंबर्स फॉर बीजेपी एज फार एज यूथ आर कंसर्न, अखिलेश हैज. मैं उस पर आ रहा हूँ राजीव यादव जी, मैं सब पे आऊंगा, प्लीज कीप वॉचिंग बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल एंड आई जस्ट थॉट आई मस्ट शेयर. आई एम गोना राइट माई असेसमेंट इज वेल, बट आई थॉट के आई विल शेयर माई असेसमेंट विथ यू फर्स्ट बिफोर आई एक्चुअली राइट इट. सो पहले फेज में जाट, मुस्लिम्स, और मैं बार बार ये कास्ट और रिलीजन इसलिए कह रहा हूँ कि you can be as much you know moralistic about elections in India as you want, but the reality is ke morality se kaam nahi chalti hai, supreme court ki guidelines se nahi chalti hai. UP, Bihar, particularly jo north India ke jo ye states hain, yahan pe caste ki basis pe votes hote hain. Do whatever you want, you know that happens, whether political parties make appeal or not, it doesn't matter, people actually vote along the caste, along the religious lines. So I was coming to the point that you know what I observed. So pehle phase mein Muslim, Jat, Balmiki ya Jatavs ya aur bhi jo dusre jewelers community the, in logon ka bada crucial ye tha. To usme ek trend ye aaya tha ki Muslims were voting quite strategically, you know, they also voted for BSP where they thought like BSP could defeat the BJP. In certain pockets, they also voted for Samajwadi Party and Congress Alliance. Balmiki, Jat, we detected a lot of anger amongst them against the BJP because of demonetization, and also ke jo Jat community hai, unko ye laga tha ke they have been let down, you know, by Modi and the BJP because unhone bahut hi zabardast mandate diya tha 2014 mein, to uske baad unke sath kuch nahi hua tha, so they wanted to teach a lesson, so therefore they voted against them. Second phase mein humne dekha
कि जब मैंने ट्रैवल किया मुरादाबाद, संभल, रामपुर और अमरोहा, इन सब इलाकों में जब मैंने ट्रैवल किया, तो वहाँ पे हमने देखा कि यू नो कैंडिडेट्स वर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि रामपुर में आज़म खान की सीट मुझे लगी कि इतनी सेफ नहीं थी, लेकिन उनका जो बेटा है अब्दुल्ला आज़म, जो पहली मरतबा स्वार से इलेक्शन लड़ रहा है, उसके हक़ में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उसी तरह से संभल में जो वहाँ के इकबाल महमूद जो एमएलए हैं उनकी सीट मुझे कमज़ोर लगी, बल्कि MIM के जो बर्क हैं, जो नया लड़का है 25 साल का जो पहली मरतबा डेब्यू कर रहा है, उसके हक़ में ज़्यादा सपोर्ट लगा। तो ये जो काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग लगा, थर्ड फेज़ में आने के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली एस्टॉनिश्ड। एंड जो हमने पहले ये देखा था कि डीमोनिटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ये सेकेंड फेज में भी हमें लगा, ये फर्स्ट फेज में भी हमें लगा, थर्ड फेज में मुझे ये लगा कि नंबर वन, अच्छा इसके कई पॉइंट्स हैं, वो मैं नंबर पॉइंट वाइज शेयर करता हूँ। फर्स्ट फेज में जो मुझे लगा, सॉरी थर्ड फेज में जो मुझे लगा, जो अभी मैं लखनऊ बेल्ट और उन्नाव और कानपुर और उधर से जब मैं घूम करके आया हूँ, तो मुझे ये लगा कि डीमोनिटाइजेशन इशू था लोगों के लिए, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग देयर वोटिंग पैटर्न। मतलब ये उनका किस पार्टी को वोट देंगे वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि डीमोनिटाइजेशन से उनको कितना अफेक्ट हुआ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जब जा रहा था तो उन्नाव और कानपुर के पास मुझे एक, मैं एक ढाबे के पास रुका, और चूंकि ऐसे ही मैं करता हूँ तो वहां पर रुका, मैंने ऐसे ही पूछा कि बताइए कि डीमोनिटाइजेशन नोटबंदी का आप पे क्या असर पड़ा। वो कहने लगा देखिए यहाँ तो ये जो खटिया आप देख रहे हैं पूरा भरा हुआ था, अभी एक दो बैठे हुए हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा कि आप वोट किसको देंगे, उन्होंने कहा जी वोट तो हम फूल को देंगे, फूल से मुराद के वो जो बीजेपी का ये है। उसी तरह से सेंट्रल जब मैं लखनऊ के अर्बन एरियाज में गया तो वहां पे भी जो लोग अपने वोटिंग चॉइसेस दे रहे थे उसमें डीमोनिटाइजेशन वाज नॉट द रीजन दे वर सेइंग। एनीवे, तो एक तो वो था, दूसरा ये कि हमें ये लगा कि जो फर्स्ट टू फेजेस में हमें लगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट अलायंस बन के उभर रही थी, थर्ड फेज में हमें ये लगा, मुझे ये लगा कि इट विल बी फूलिश, एंड आई रिपीट, इट विल बी फूलिश फॉर एनी वन ऑफ अस टू राइट ऑफ बहन जी और मायावती और हर पार्टी। बिकॉज मैं उसका एक देता हूँ कि जब मैं जा रहा था इधर से तो टुंडला में मैं रुका तो मुझे बीजेपी के हक में बहुत सपोर्ट मिला टुंडला में, लेकिन टुंडला से जब मैं आगे गया और फिरोजाबाद और शिकोहाबाद में जब मैं रुका तो वहाँ पे सब बीएसपी के हक में एकदम एक तरफा सपोर्ट मुझे मिला। तो वो जो ये कह रहे थे कि यू नो चूंकि ये इसमें नहीं है, ये लोग ज़्यादा फैन फेयर के साथ कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, मीडिया में उनका ज़्यादा बोलबाला नहीं है, तो ऐसा लग रहा था कि वो ये हो गए, मुझे नहीं लगा। बल्कि मेरा जो असेसमेंट ये है, जो फाइनल असेसमेंट जो मुझे ये लगा कि किसी भी एक पार्टी को मुझे नहीं लगता कि बेस्ड ऑन द फर्स्ट थ्री फेजेस, एंड माइंड यू आई एम नॉट जनरलाइजिंग, फोर फेजेस अभी बाकी है, फर्स्ट थ्री फेजेस के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक पार्टी को यू नो ओवरऑल मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही है बेस्ड ऑन माय फर्स्ट थ्री फेजेस, अगर यही अगर कंटिन्यू रहा फॉर द रेस्ट ऑफ द फोर फेजेस, फॉर द रेस्ट ऑफ द इलेक्शंस, नंबर वन। नंबर टू, जो पहले हम ये कह रहे थे कि यू नो बहुत सारे लोगों ने कहा, मुझे भी ये लगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक लीडिंग अलायंस है और ये नंबर वन पार्टी बन के उभरेगी, अब मुझे ये लगा कि ऐसा नहीं है। बल्कि डोंट बी सरप्राइज कि अभी अगर वो बेस्ड ऑन अगेन फर्स्ट थ्री फेजेस अगर बीएसपी यू नो लीड ले लेती है, चूंकि वो साइलेंट वोटर जो है बीएसपी के हक में वाकई बहुत साइलेंटली बीजेपी के बीएसपी के हक में सपोर्ट कर रही है। और आखिरी बात, बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड है पर्टिकुलरली अमंग यूथ इन अर्बन एरियाज लाइक लखनऊ के अक्रॉस, लखनऊ जो मैंने बात की कैंट में हुआ या लखनऊ सेंट्रल में हुआ, इन सब जगहों पे जब मैंने बात की तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि बीजेपी की कितनी पकड़ है यूथ के अंदर में। अच्छा, ये वो लोग थे, मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था, जनता का रिपोर्टर यूट्यूब पे भी आप जाइएगा और फेसबुक पे है कि मैंने पोस्ट किया था कि ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं अखिलेश ने अच्छा काम किया है, गोमती रिवर फ्रंट अच्छा बनाया है, लेकिन ये गोमती रिवर फ्रंट इसलिए बना है कि गुजरात में साबरमती में भी मोदी जी ने ऐसा ही किया था तो वहां से देख करके बनाया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी वो मोदी को श्रेय दे रहे हैं।
एक मैंने कहा कि यार यहाँ पे ये रोड देखो, पहला स्टेट कैपिटल कैपिटल है जहाँ पे मैंने चार लेन्स की सड़कें देखी हैं, तो बहन जी को तो इसका कुछ श्रेय दो, या अखिलेश को तो कुछ श्रेय दो कि इसने मेंटेन किया है, बहन जी ने बनाया था, अखिलेश ने मेंटेन किया है। उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में हुआ था, हालांकि ये स्टेट हाईवेज थे ये सब, लेकिन उनके इसमें बिल्कुल कोई ना कोई वो बहाना ढूंढ रहे हैं टू सपोर्ट मोदी, नंबर वन। नंबर टू, इन यूपी पर्टिकुलरली इन द एरियाज दैट आई विजिटेड इन द थर्ड फेज, के बीजेपी डजंट एग्जिस्ट, बीजेपी मींस मोदी, यू लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट द रियलिटी इज के फॉर दीज पीपल हु आर सपोर्टिंग एंड हु वुड हैव वोटेड फॉर बीजेपी, दे वुड हैव वोटेड फॉर बीजेपी नॉट बिकॉज दे लाइक बीजेपी, for them the BJP doesn't even exist, they voted for BJP because of Modi, so Modi equals BJP for them, so ye jo hamari ye broader ye understanding thi third phase ko lekar ke, ab iske baad abhi aur bhi hain crucial phases, ab jo chauthe phase mein aane wala hai ki aapka amethi hoga. Acha yahan pe ek cheez aur bhi mujhe lagi ki Congress aur Sapa ke liye jo mujhe thoda sa ye laga ki confusion laga unke haq mein hawa nahi dikhi, uski wajah ye thi ki jo alliance hai कहीं ना कहीं अलायंस लोगों को समझ में नहीं आया और बहुत कंफ्यूजन था अलायंस के बारे में, वो ये कि अब कुछ मतलब कुछ ऐसी सीटें थी, लखनऊ सेंट्रल की बात लीजिए कि वहां पे बावजूद इसके कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अलायंस है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां पे, तो ये कौन सा अलायंस है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इस तरह से जैसे अमेठी में भी यही होने जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये जो चीज है ये कंफ्यूजन है उन दोनों के बारे में वहां पे, तो ये ब्रॉडर मेरी अंडरस्टैंडिंग थी. एनीवे, सो आई विल स्टॉप इट हियर एंड आई विल ट्राई एंड टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस. अमित यादव साहब, अमेजिंग वर्क, थैंक यू सर. अमेजिंग तो है लेकिन हमारी हालत खराब हो जाती है कि जब हम ड्राइव करना पसंद करते हैं, लखनऊ चूंकि यूपी पंजाब से बड़ा है तो ड्राइव करने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जब मैं वापस आ रहा था तो मैं सैफई गया, हालांकि मुझे पता था कि सैफई में क्या है, लेकिन मोहन के शर्मा पूछे बाय द वे कि अभिजीत ने कैसे धोया था, बड़े भाई ये अभिजीत से पूछ लो कि किसने किसको धोया था, जेल मैं नहीं गया था, जेल वो गया था, और पुलिस के सामने मैं नहीं रोया था, पुलिस के सामने वो रोया था. एनीवे, जस्ट टू गेट द फैक्ट्स स्ट्रेट, राइट. सो वापस जब आ रहा था तो मैं सैफई गया, बावजूद इसके कि मुझे पता था कि सफाई में वन साइडेड होगा, लेकिन मुझे ये जानना था कि ये जो परिवार में जो लड़ाई चली है शिवपाल यादव और इनके बीच में, तो इसका क्या मैनपुरी एरिया हुआ या फिर जो इटावा का एरिया हुआ या पर्टिकुलर जो विलेज था वहाँ पे कोई असर हुआ. जनाब मैं हैरान हो गया, मतलब इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट मुलायम सिंह यादव के लिए, और ये सब जो हमें यहाँ लगता है कि परिवारवाद है, आपस में कलह है तो इनका वोटिंग पर असर पड़ेगा, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, वहाँ पे तो एक तरफा साइकिल, किसको वोट देना, एक तरफा साइकिल, और डेवलपमेंट भी किया इन्होंने, अपने अपने एरिया को बहुत संभाला. आई मीन सफाई में देख करके हैरान हो गया, मैं उसको अपने गांव से कंपेयर कर रहा था, मेरा गांव क्या मेरा शहर भी उसके मुकाबले में ना हो, कि एक स्टेडियम वहां बन रहा है, वहां पे एक एयरफील्ड है बाजाबते जहां पे मुलायम सिंह यादव की फैमिली की हेलीकॉप्टर वहां पे आकर के रुकती है, प्लस जो रोड्स है 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, यू नो अभी हाईवे वहां पे बन गया है, तो ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि वहां पे इनको कोई खतरा है. और काश अगर ऐसे सारे एमएलए और सारे एमपीज अपने एरिया को ऐसे डेवलप अगर करें, काश अगर राहुल गांधी ने भी अगर अमेठी को ऐसे डेवलप किया होता तो आज हालात कुछ और होते और पूरे यूपी के सारे इंडिया के सारे स्टेट्स की हालत बदली होती, तो वो हुआ नहीं है, इन्होंने किया है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि है डेवलपमेंट वहां पे हुआ है, तो ये एक अलग ऑब्जर्वेशन था जो आई थॉट आई विल शेयर विथ यू. कामरान गनी, नहीं साहब कामरान गनी साहब आई एम नॉट इग्नोरिंग दिस भक्त, बिकॉज इनको इनके ये तो भक्त हैं, इनको तो हाथ पांव बांध करके भी इनको इनकी पिटाई की जाएगी तो इनको उसमें भी बहुत खुशी का एहसास होगा, तो मुझे पता है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें कभी कभी मुंह पे दोबारा रिपीट कर देनी पड़ती है. सुरेश पांडे, इन मोर देन 30 पोलिंग बूथ इन कानपुर देहात नो वेयर आई फाउंड बीजेपी पोलिंग एजेंट इन साइड. यस सुरेश पांडे, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, यू आर राइट. मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अर्बन एरियाज हैं और खासकर मैंने लखनऊ में जो देखा है, अक्रॉस लखनऊ बाय द वे, बल्कि लखनऊ में मुझे एक दो ऐसी फैमिली मिली जिन्होंने अपना नाम कहा कि फलां फलां यादव. नाउ यू वुड थिंक अगर यादव है तो वो साइकिल को वोट देगा, वो दिखा रहा है, मैंने फोटो भी उसका लिया, मैं ट्वीट भी करूंगा कि ये जो साइकिल मुझे अखिलेश यादव ने दिया है, और उसके लफ्जों में अरे बड़े रॉयल खानदान का है जी,
जी, बड़ा अच्छा काम करता है जी, एक नई ऊंचाई पे लेके चला गया है पार्टी को और सरकार को, लेकिन हम वोट तो देंगे एक दूसरी पार्टी को। तो ये है वहां पे, यू नो आई मीन, ऐसी भी चीजें देखी। तो भले ही आपको कानपुर में वो चीजें नहीं देखी होंगी, लेकिन मैंने जो लोगों से बात की, यहां तक के आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं, कैसरबाग एक एरिया है जो लखनऊ के, इसमें हमारे साथी हैं उनको पता होगा कि प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम एरिया है, लेकिन वहां पे भी कुछ लोग मुझे ऐसे मिल गए जिन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि किस पार्टी को, चूंकि अभी बहुत सारे इलेक्शन अभी बाकी हैं, लेकिन ऐसे देखने को मिला। तो एक तो यूथ में बीजेपी का एक सपोर्ट मैंने देखा, खासकर मोदी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का। तो लेट्स नॉट डिनाई, यू नो, जो हमने देखा, मेरा काम यह है कि जो अब तक का पैटर्न रहा कि मैं जाता हूं, जो देखता हूं, वो मैं आपको को कहता हूं। हालांकि भक्त ब्रिगेड मुझे समझती है कि मैं उनकी पार्टी के खिलाफ हूं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी अलग है, प्रोफेशनल अलग है। प्रोफेशनली अगर मैं जो देखता हूं, वो मुझे मेरी ईमानदारी का तकाजा है, मेरे प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि मैं आपके सामने में आकर के हू बहू वैसा रख दूं, बजाय इसके कि उसमें उसको डॉक्टर करके वीडियो को। मुझ पर क्या पड़ा है, किसने मुझ पर तलवार तान रखी है कि आपको वीडियो दिखाना ही है? नहीं दिखाते, लेकिन हमने दिखाया कि वो जो लोग, यूथ से मैंने बात की थी और उन यूथ ने अगर कहा कि वो मोदी के सपोर्टर है, तो मैंने आपको दिखाया। ये फर्क है हमारी मीडिया में और आपकी पेड मीडिया में, जो दूसरे चैनल्स में जिनके आप भक्त हैं। अभिषेक दुबे जी, बीएसपी के अच्छे चांसेस मुझे लगे थर्ड फेज के बाद से, मुझे बहुत अच्छे चांसेस लगे। करण शर्मा सर, अलायंस का बेनिफिट हो रहा है एसपी को और नुकसान हो रहा है। देखिए, अलायंस का बेनिफिट मुझे कांग्रेस को ज़्यादा मिलता नज़र आ रहा है, और उसमें मुझे हैरानी भी नहीं है कि अगर कांग्रेस को मिल रहा है, चूंकि इसके पहले दो स्टेट्स अगर आप देखें, बिहार और बंगाल में, तो वहाँ पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था। बिहार में कांग्रेस को 40 सीट्स मिली थी, 40 में से 27 कांग्रेस ने जीता था, जबकि कांग्रेस कोई नॉन एंटिटी थी जहां आरजेडी और जेडीयू के मुकाबले में। उसी तरह से बंगाल में जब वो लेफ्ट फ्रंट के साथ, सीपीएम के साथ लड़ी, तो सबसे बड़ी नॉन तृणमूल रूलिंग पार्टी बनकर के उभरी, 70 के आसपास सीट मिल गया उसको। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो आई वॉज इन सरप्राइज कि कांग्रेस के हक में फिजा है, लेकिन चूंकि इनके अलायंस में इतनी कंफ्यूजन है कि अब 11-12 जगहों पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लखनऊ सेंट्रल में आप लड़ रहे हैं, अमेठी में लड़ रहे हैं, हाई प्रोफाइल जगह है, तो वहां पे लोग, अच्छे इतनी देर में भी अलायंस हुई है, शायद उसका भी नुकसान हो रहा है इनको, कि लोगों तक वो समझ में नहीं आ रहा है कि वोट करें तो किसको करें हम ये। तो वहां पे बीएसपी जो है बहुत साइलेंटली फायदा उठा रही है, जो मुझे लगा थर्ड फेज के बाद से। देखिए, कानपुर का नीतीश पांडे कह रहे हैं कि कानपुर के क्या एनालिसिस है। कानपुर में ब्रॉडली मुझे लगा कि एसपी का वहां पे बेस है, सपोर्ट है, पर्टिकुलरली वो जो सीट मैं भूल रहा हूँ जिसमें सतीश निगम साहब वहां से जो इसके एसपी के लड़ रहे हैं, उनकी सीट मुझे ठीक ठाक लगी। लेकिन साइलेंटली जो वो मुझे नजर आया कि जो हाथी है, हाथी के बारे में भी मुझे बस नजर आया, जो लोगों से हमने बात की, तो नाम से तो लेते नहीं है, वो तो सीधा सिंबल से ही बात करते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने जो कहा कि नहीं, मायावती के हक में मुझे सपोर्ट वहां पे देखा, लेकिन एक दो सीट तो मुझे बहुत सेफ लगी समाजवादी पार्टी के हक में। फोर्थ फेज का सरफराज आलम साहब पूछ रहे हैं कि कोई ये है। अंशुमन नारायण पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट लखनऊ नॉर्थ सीट रिफत जी, एक्सीलेंट पंजाब कवरेज सर। अंशुमन नारायण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर पंजाब कवरेज। मैंने कहा कि जो लखनऊ के जो मेन अर्बन के जो चार सीट आप देख लें, उन चार सीट्स में इंडिविजुअली किसी का प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, चूंकि वैसे देखा जाए तो मैंने जो कैंट में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा, तो मैं कैंट के बारे में भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट अप ए पर्टिकुलर सीट, लेकिन जो ब्रॉडर थीम जो आया कि सेंट्र अर्बन एरियाज में यूथ में बीजेपी की पकड़ है, देर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी अलायंस, एंड जो बीएसपी है वो साइलेंटली एक ताकत बन करके उभर रही है। तो ये जो तीन है जो हेडलाइंस मेरे लिए वहां से मिला, वहां के सफर के बाद से। सुफियान रहमानी, क्या मुस्लिम वोट बटेगा, एआईएम का इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, मुस्लिम वोट बटेगा, जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम वोट के कुछ और पैटर्न थे, लखनऊ में जो मुझे मुस्लिम वोट मिला उसमें एक बहुत बड़ी तादाद
मुझे ये लगा कि वो बहन जी के सपोर्ट में है बहुत, बल्कि मैंने एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के एक ग्रुप से, वहाँ पे एक जागरण चौराहा है बहुत फेमस लखनऊ में, तो वहाँ पे मैंने लोगों को इकट्ठा किया था, काफ़ी एमिनेंट लोग थे मुस्लिम कम्युनिटी के, तो उनका जो एक ब्रॉडर ओवरऑल थीम मुझे नज़र आया कि वो मायावती के हक़ में नज़र आए, जबकि दूसरी जगह पर मुझे ये उतना मतलब खुल करके नज़र नहीं आया जितना कि लखनऊ में मुझे नज़र आया। तो यही मैं कह रहा था कि ये चीज़ें वो डिफरेंट थी कंपेयर टू द फर्स्ट टू फेजेस, कि यहाँ पे बहुत क्लियरली कुछ खुल करके नज़र आ रहा था ये। बीएसपी एंड कांग्रेस कैन मेक अ पोस्ट पोल अलायंस, आई डोंट नो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हंग असेंबली हो गया तो क्या बीएसपी और बीजेपी हाथ मिला लेगी। आई थिंक मायावती हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड मेकिंग इट एब्सोल्युटली क्लियर, बट पॉलिटिक्स में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और ये साथ में आ सकते हैं बीजेपी, मायावती और बीजेपी साथ में आ सकती हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आई डोंट नो, हु एम आई टू से, तो पोस्ट पोल का नहीं कह सकता हूँ। मैं आपको अभी का बता सकता हूँ कि क्या मैं देख रहा हूँ और क्या हो सकता है, और मेरी जो अपनी जो प्रिडिक्शंस है, प्रिडिक्शंस भी नहीं, जो अपनी असेसमेंट है उसको शेयर कर रहा हूँ आपके सामने में आकर के। नहीं, नीतीश पांडे जी पूछे हाउ मेनी सीट्स फॉर बीजेपी इन फेज थ्री। आई एम नॉट गोना प्रिडिक्ट एनी सीट बिकॉज दिस इज प्रूविंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इलेक्शंस एंड आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट अप। मुझे लगा कि सिर्फ गोवा और पंजाबी, गोवा पंजाब में तो बहुत सारी क्लैरिटी आ गई थी, लेकिन गोवा में मुझे बड़ा कन्फ्यूजिंग लगा था, और यहाँ पे भी लग रहा है, मतलब कोई ओवरऑल एक थीम इमर्ज होकर के नहीं आ रहा है। सो आई एम नॉट गोना कमिट माई सेल्फ कि किसको कितनी सीट्स आ रही हैं। लेट मी विजिट अदर एरियाज इन द रिमेनिंग फेजेस एंड देन परहैप्स यू नो आई माइट हैव सम आइडिया एंड आई विल शेयर इट यू नो आफ्टर द 7 फेजेस ऑफ इलेक्शंस। जावेद अहमद साहब कह रहे हैं आई थिंक अलायंस इज अहेड, कुड बी, आपकी असेसमेंट हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सारी यूपी को मैंने विजिट कर लिया, हो सकता है कि आपने ज़्यादा देखा होगा, आप यहाँ रहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, मैं तो सिर्फ अपना असेसमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये अमित हुड्डा साहब कह रहे हैं सर यहाँ पे साइलेंट वोट है क्या? साइलेंट वोट हैं, आई मीन देखिए सबसे ज्यादा वोकल जो वोटर्स मुझे मिले पर्टिकुलरली थर्ड फेज में, वो जहां जहां पे जिनका गढ़ लगा वहां पे वो वोकल नजर आए। मिसाल के तौर पर सैफई में बिला झिझक लोगों ने कहा कि हम साइकिल को दे रहे हैं, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंटली साइकिल के सपोर्ट में मुझे किसी और पार्ट में लोगों ने ओपनली नहीं कहा। उसी तरह से बीजेपी के हक में बहुत ओपनली यूथ ने लखनऊ के एरिया में मुझे ये कहा कि मैं बीजेपी के हक में दे रहे हैं। बीएसपी के हक में जो कुछ मुस्लिम्स मुझे नजर आए, लेकिन वो घर के अंदर में वो बैठ करके उन्होंने कहा कि हम इसको दे रहे हैं। मैं इलेक्शंस के दिन मैं कैजर बाग गया था, राजभवन की तरफ गया था, लखनऊ कैंट गया था, वहां पे भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो लोग डरे होते हैं चूंकि इन सब इलाकों में इंप्लीकेशंस बहुत होता है, तो आई डोंट ब्लेम देम कि वो अपने कार्ड्स ओपन नहीं करना चाहते हैं। सो इस इमोरल unfair for me to actually induce them, you know, to give me their voting preferences on camera, on record. तो मैं उस पर ज़्यादा ज़िद भी नहीं करता हूँ, लेकिन जब ऑफ द रिकॉर्ड आप लोगों से बात करें तो एक आइडिया मिल जाता है कि जैसे अब इन लोगों को जब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को जब मैंने कमरे के अंदर बैठा करके उनसे बात की तो खुल गए, पता चल गया कि वो बीएसपी को दे रहे थे, लेकिन ऑन द डे ऑफ पोलिंग दे वर नॉट ओपनिंग अप द कार। तो इस तरह के जो साइलेंट वोटर्स थे वो आपको देखने से लग जाता है कि यू नो वो किस तरफ उनकी हवा जा रही है। हरेश पटेल पूछ रहे हैं कि क्या राघव और अखिलेश 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे? आई डोंट नो, अभी सिर्फ 3 फेज हुआ है और इसके बेसिस पे तो मैं हरगिज प्रिडिक्शन नहीं दूंगा और अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। 4 फेज और रुक जाइए, 15 दिन का खेल है सारा कुछ, उसके बाद सारा खेल सामने आ जाएगा। तो मुझे और भी दूसरी जगहों को जाने दीजिए, तो एक एक ट्रेंड मुझे समझना है कि ये ट्रेंड है क्या। दो स्टेज के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रेंड समझ में आने लगा था, थर्ड फेज के इलेक्शन देखने के बाद मैं खुद बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूं। तो अब ये ट्रेंड को जो ट्रेंड इमर्ज हो रहा था, थीम इमर्ज हो रहा था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। सो आई एम नॉट गोना कमिट माई सेल्फ टू सीट्स यू नो फॉर एनी पर्टिकुलर पार्टी और अलायंस। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए,
मैं अभी जा रहा हूँ दूसरी जगहों से भी, वाराणसी से भी मैं लाइव करूँगा वहाँ पे, और कोशिश यह है कि फैज़ाबाद भी जाऊँ, अमेठी भी जाऊँ, अगर सारा कुछ अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का सॉर्ट आउट हो गया तो उसके बाद सातवें फेज के बाद हम बैठेंगे एंड आई ट्राई एंड गिव यू माई असेसमेंट एंड परहैप्स इवन माई ओन एग्जिट पोल काइंड ऑफ थिंग, उसमें मैं करूँगा, लेकिन अभी नहीं, आई थिंक इट्स टू अर्ली राइट नाउ। और अगर फ्रॉड करना है तो मैं अभी आपको एक कुछ नंबर दे देता हूँ, आप उस पर यकीन कर लीजिए, फिर बाद में आकर के आप ही मेरे पीछे पड़ेंगे कि मैं कितना बड़ा फ्रॉड था। धीरज बंसल साहब, उत्तराखंड का कुछ भी नहीं बताया, यू आर राइट धीरज बंसल साहब, उत्तराखंड से कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक महीना पहले यह कहा जा रहा था कि बीजेपी वहां पे अहेड है, परसों जब मेरी बात हुई तीन चार जर्नलिस्ट वहां से लौटे थे, मैं नहीं गया, मैं गया था दिसंबर में, उसके बाद मैं नहीं गया, तो यहां पे चूंकि एक हफ्ते में ही पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है, सॉरी एक कम, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो ताज़ा रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को एडवांटेज हो गया खासकर हिली एरियाज में, तो आई मीन दैट्स ऑल आई कैन से, बिकॉज जो तीन चार बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट जिसको मैं मानता हूँ वो वहाँ से लौटे हैं, और उनका किसी भी पार्टी से मैं आपको वाउच देकर के कह सकता हूँ कि किसी भी पार्टी के साथ उनका कोई अलायंस नहीं है, तो उन्होंने जो मुझे बताया कि कांग्रेस ने बाजी मार ली है और कांग्रेस अहेड है, बट दैट्स देयर वर्जन, आई हैव नॉट सीन दैट, बिकॉज मुझे जो लगा था जब मैं दिसंबर में गया था तो मुझे बीजेपी अहेड लग रही थी, अभी ये कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस अहेड है, सो आई डोंट नो, आई हैव टू वेट। होपफुली धीरज बंसल साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अमित हुड्डा साहब पूछा सर पंजाब में साइलेंट वोट कहाँ जा रहा है, अमित साहब अगर साइलेंट वोटर पंजाब में हर रीजन में सबसे ज़्यादा साइलेंट वोटर मुझे मालवा में नज़र आया, अगर वो आम आदमी पार्टी को वोट देता है तो गुड न्यूज़ फॉर आम आदमी पार्टी, वरना यू नो आम आदमी पार्टी रियली हैज़ टू वरी अबाउट, बिकॉज जो मैंने इसके पहले वाले फेसबुक लाइव में भी कहा था कि अनलेस आम आदमी पार्टी पूरी स्वीप करती है मालवा को, यू नो इट कुड बी एनीबडीज चांसेस, इवन कांग्रेस कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, बिकॉज कांग्रेस इज हैज़ मोर स्ट्रेंथ, more presence, more popularity in other two regions than Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party has presence in Malwa, but Malwa mein Congress ki bhi visibility hai. Wherein in Majha mein ya phir Dwaba mein relatively Congress bahut aage hai. To matlab agar Malwa aapne 69 seat mein se agar 59 seats nahi jeete to it's gonna be a bad news for Aam Aadmi Party. Aapne shayad pehle ka agar nahi dekha hoga Facebook live to Amit ji maine isliye aapko ye dobara se recap kar diya. मनदीप सिंह जी थैंक यू वेरी मच सर आपके अप्रिसिएशन के लिए। मनदीप सिंह जी ठीक है। अजीत सिंह हु इज़ विनिंग इन यूपी, वजीर अली साहब मैंने बता दिया अभी कि अभी बड़ा मुश्किल है कहना कि हु इज़ विनिंग यूपी, विल आई विल टेल यू यू नो एज एज यू नो टाइम प्रोग्रेसेस एंड एज आई कवर मोर एरियाज। करण शर्मा, करण शर्मा जी पूछ रहे हैं कि अब तक किसको अपर हैंड है यूपी में। देखिए मैंने यही अभी बताया है कि दो ट्रेंड के दो स्टेजेस के बाद से मुझे लग रहा था कि कांग्रेस सपा को थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन तीसरे के बाद से मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ, चूंकि ट्रेंड बिल्कुल ही बदलता मुझे नजर आ रहा है, और अगर यही ट्रेंड अब रहा तो आई डोंट थिंक कि इज एन एडवांटेज कांग्रेस और सपा, आई थिंक इट्स गोना बी आई मीन देन इट विल बी फूलिश फॉर मी नॉट टू टॉक अबाउट मायावती, बिकॉज बहुत साइलेंटली मुझे या मायावती के हक में मुझे तीसरे फेज में सपोर्ट मिला, पहले दो फेजेस में उतना नहीं मिला था लेकिन तीसरे फेज में मुझे बहुत ज़्यादा मिला। पहले दो फेजेस में ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिला होगा, मैं डिटेक्ट नहीं मुझे नहीं आया, उनकी इतनी वोकल सपोर्ट बेस नहीं आई, लेकिन तीसरे फेज में मुझे बहुत वोकल उनके 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 हक में सपोर्ट बेस, जिन लोगों से भी जो ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बात की तो बहुत ज़्यादा की तादाद में लोगों ने मायावती के बारे में बात की, जैसे मैंने मिसाल आपको शिकोहाबाद का लिया था और फिरोजाबाद का लिया था कि वहाँ बिल्कुल एक पेट्रोल पंप वाले से लेकर के चाय वाले से लेकर के सब बहन जी को हाथी को बड़े प्राउडली कह रहे थे वो, तो वो मुझे पहले दो फेजेस में उतना नजर नहीं आया था, हो सकता है कि वो साइलेंट वहाँ पे रहे हों, पॉसिबिलिटी है। पाल प्रवेश कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट पंजाब और गोवा, पंजाब का मैंने बता दिया, गोवा का मैंने कहा कि जब तक मैं था वहाँ इलेक्शन के एक हफ्ता पहले था तो मुझे नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी के जो ज़्यादा चांसेस थे, प्रेजेंस तो थोड़ी सी थी लेकिन वो वोट में बदल जाए मुझे नहीं लगा, अब लास्ट के एक हफ्ते में अगर कुछ बहुत बड़ा मिरेकल अगर हो गया हो तो हो गया हो, वरना आम आदमी पार्टी कंजेशन में नहीं थी, देयर वॉज अ लॉट ऑफ एंगर अगेंस्ट बीजेपी और कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड जो एक इनफॉर्मल अलायंस में है उनको शायद इसका फायदा हो जाए,
तो अगेन दैट वाज माय असेसमेंट जो मैंने वहां से आपके लिए जो लाइव किया था वो उस वक्त हमने भी बताया था। उसके बाद लास्ट के 1-1.5 हफ्ते में क्या हुआ आई हैव नो आइडिया। यस पंकज शर्मा रिदमिक पूछ रहे हैं कि बट टुडे एट रोड शो ऑफ राहुल अखिलेश देर वॉज सी ऑफ यूथ इन अर्बन बेल्ट। मैं अर्बन बेल्ट की जो बात कर रहा हूँ वो तीसरे फेज के एरियाज की बात कर रहा हूँ, ना कि उन एरियाज में जहाँ पे आज राहुल मेरे ख्याल में इलाहाबाद में थे, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तीसरे फेज में आप मान करके चलिए कि मैं लखनऊ में था, एंड इफ आई एम फ्रॉम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आई विल बी रियली वरीड, प्लीज मार्क माई वर्ड, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली आपको शेयर कर रहा हूं जो मैंने वहां पे फील किया कि सपा और कांग्रेस के लिए मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट लखनऊ में नहीं मिला मुझे, अब ये मुझे लगा। और बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं कि इसको मान लीजिए आप, ये मैं कोई इसको इसमें मिर्च मसाला डाल करके बढ़ा चढ़ा करके आपको पेश नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि इलाहाबाद में हो, मतलब लखनऊ से ज्यादा मुझे कानपुर में ज्यादा सपोर्ट लगा इसके लिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, जो अलायंस के लिए, लेकिन लखनऊ में नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगा। बहुत सारे सवाल ऊपर चले गए, रुके। उत्तराखंड वैभव वाजपेयी साहब पूछे हैं व्हाट अबाउट उत्तराखंड। वैभव जी मैंने अभी बताया उत्तराखंड का कि जो लेटेस्ट आ रहे हैं, मेरा अपना असेसमेंट था दिसंबर का कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट असेसमेंट जो 3-4 जर्नलिस्ट वहां से अभी अभी लौटे हैं उनसे मेरी बात हुई है, प्लस 2-3 मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनके वहां पर प्रॉपर्टीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस उनके ऑपरेशंस हैं वहां पर, वो भी लौटे हैं। तो एक जो डोमिनेटिंग थीम मुझे वहां से मिल रहा है वो ये कि कांग्रेस रिलेटिवली अहेड है और कुछ हो गया है जिसकी वजह से उन्होंने बाजी मार ली है। आई एम यूजिंग देयर वर्ड्स नॉट माई वर्ड्स, सो प्लीज यू नो सर, अब मुझे इसके लिए ब्लेम मत कीजिएगा। मैं वहां गया था दिसंबर में, उस वक्त मुझे बीजेपी आगे नजर आ रही थी, अब जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कांग्रेस आगे है। तो हो सकता आई एम होपिंग कि वैभव जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डू यू थिंक दैट बीएसपी लाइक आप इज दिव्यांशु अग्रवाल पूछ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की तरह क्या हम बीएसपी को भी कम आंक रहे हैं और वो सरप्राइज कर दे। बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज एक तो है रियलिटी यह है कि जो कवरेज हम राहुल गांधी की रैलीज को दे रहे हैं या सपा की रैलीज को दे रहे हैं या मोदी की रैलीज को दे रहे हैं या अमित शाह की रैलीज को, वो कहीं ना कहीं हम बहुजन समाज पार्टी या मायावती की रैली को नहीं दे रहे हैं नेशनल मीडिया में, ये रियलिटी है, लेट्स लिव विद दैट। तो उसकी वजह से हमें बज नजर नहीं आ रहा है, बट जब मैं देखता हूं उनकी तस्वीरें और रैलियों की और ग्राउंड पे जाकर के जब कुछ जगहों पे तीसरे फेज में मैं मिला तो आई वॉज सरप्राइज के मतलब है एक सपोर्ट तो है, जो शायद रिपोर्ट नहीं हो पा रही है लेकिन सपोर्ट तो है इनके लिए। तो आई वुड नॉट रूल आउट बीएसपी एट ऑल। और क्या है गौरव पाल्टा साहब पूछे इज बीजेपी गेटिंग 50% ऑफ सीट्स। यार मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी गेटिंग 50% सीट्स और नॉट, ये मैं मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इतना तो तय है कि 2014 में जो बीजेपी को सीट्स मिला था वो उसको रेप्लीकेट करना बीजेपी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने शुरू में आपको बताए थे, फर्स्ट और सेकंड फेजेस में बहुत ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ एंगर था, थर्ड फेज में बीजेपी ने थोड़ा सा मुझे लगा है कि अपने आप को रिडीम करने की कोशिश की है, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी इनफ फॉर देम टू रेप्लीकेट यू नो देयर परफॉर्मेंस ऑफ 2014। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस गौरव जी। सुफियान रहमानी साहब, रिफत भाई, वुड इट बी अ क्लोज कॉल और वुड देयर बी अ क्लियर मेजोरिटी फॉर अ सिंगल पार्टी। अब तक का जो असेसमेंट है सुफियान साहब, आई कैन नॉट गिव एनी पर्टिकुलर पार्टी अ क्लियर मेजोरिटी एंड बेस्ड ऑन जस्ट द फर्स्ट थ्री फेजेस, सो आई कैन यू नो आई कैन स्टिक माई नेक आउट एंड से के फर्स्ट थ्री फेजेस के बाद मुझे नहीं लगता किसी एक पार्टी को मेजोरिटी आ रही है, लेकिन अभी 4 फेजेस और हैं, सो लेट्स नॉट फॉरगेट इट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डू नॉट आस्क मी टू गिव यू अ प्रिडिक्शन, यू नो सीट प्रिडिक्शन, यू नो जस्ट आफ्टर 3 फेजेस। अगर ये पहले 2 फेज का जो ट्रेंड था अगर वो कंटिन्यू रहता देन आई वुड हैव गिवन यू नो सम इंडिकेशन के कौन सी पार्टी आगे आ सकती है, लेकिन ये तीसरे फेज के बाद से बिल्कुल जो कार्ट है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया मेरे लिए, सो आई एम नॉट गोना कमिट।
रिजवान अंसारी साहब, तारिक फतेह के बारे में भी कुछ बोल दो। ये इलेक्शन का फेसबुक लाइव है, तारिक फतेह पे मैं ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता। आई थिंक इट्स फूलिश फॉर एनीबॉडी, आई मीन किसी ने उसके ऊपर में कहा है कि बाउंटी का अनाउंस कर दिया। आई थिंक हाउ फूलिश कैन मुस्लिम्स गेट, आई कान इमेजिन के यू नो कह दिया कि उसके सर को ये करने वाले को इतना पैसे का इनाम मिलेगा। क्या हो क्या क्या इन लोगों को, बेवकूफ़ हैं ये। इन्हीं बेवकूफ़ी की वजह से आपने पहले किसी और को हीरो बनाया था, अभी इसको हीरो बना रहे हैं। क्या ज़रूरत है, इग्नोर कीजिए उसको। आप उसके शो पे जाते हैं, उसको हीरो बनाते हैं, फिर प्रोटेस्ट करते हैं, फिर बाउंटी का अनाउंस करते हैं। आई मीन दिस इज अटर स्टुपिडिटी, अटर स्टुपिडिटी के मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि आपके पास अगर इतने पैसे हैं मुझे दे दो जनता का रिपोर्टर चलाने के लिए, बजाय इसके कि उन लोगों को दे रहे हो कि किसी का मतलब वायलेंस प्रमोट कर रहे हो कि किसी को मार दो तो हम इतने पैसे देंगे। इससे बड़ी बेवकूफी की बात क्या हो सकती है। हमने रिपोर्ट भी नहीं किया इस चीज को, वी विल नॉट गिव स्पेस टू सच स्टुपिडिटी, एब्सोल्युटली नॉट। तारिक फतेह के बारे में मैंने कोई जग जाहिर है कि मैं क्या समझता हूँ, इज एन एवरेज गाय, इज एन एवरेज गाय, अटेंशन सीकर, अटेंशन सीकर उसको चाहिए यहाँ पे, डेस्परेटली वो चाह रहा है कि यू नो एक राइट विंग हिंदुत्व पार्टी की सरकार है तो मुसलमानों को जितनी गालियाँ दो, इस्लाम को गालियाँ दो, वो खुश होगी, तो उसके बदले में शायद उसको नागरिकता यहाँ की मिल जाएगी। उसका मतलब जग जाहिर है। आप इस बीच में पढ़ रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, उसके आप मतलब हद हो गई। आप उसकी मौत के लिए आप कह रहे हैं कि जो इसको मारेगा उसको पैसे देंगे। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और इससे बड़ी क्या कहते हैं उर्दू में एक वर्ड, अहमकाना बात और क्या होगी। आपके पास बहुत पैसे हैं, हमें दीजिए, जनता के रिपोर्टर को बहुत ज़रूरत है पैसे की। प्लीज राजीव यादव साहब, आई कुड नॉट वॉच बिकॉज ऑफ नेटवर्क, बट प्लीज आंसर माई अनदर क्वेश्चन बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर व्यूअर्स। डू यू थिंक बीजेपी विल गेट एनी सीट एक्सेप्ट अर्बन एरियाज, मोर देन 80% एरिया इज रूरल इन यूपी। देखिए फर्स्ट थ्री फेजेज में राजीव साहब के बारे में मैं जो कह रहा था कि बीजेपी को फर्स्ट टू फेजेज में मुझे एडवांटेज नजर नहीं आ रहा था, थर्ड फेज में मुझे एडवांटेज नजर आया है। और दैट व्हेन आई से अर्बन एरियाज, दैट डजंट मीन के अर्बन एरिया का बड़ा सिटी लाइक लखनऊ। मुझे अर्बन एरियाज में जैसे टुंडला है, इट्स नॉट अ बिग सिटी राइट, एक तहसील टाइप का मुझे लगा। लेकिन उस एरिया में भी जहां पे मैं गया और लोगों से बात की तो बीजेपी के हक में मुझे सपोर्ट नजर आया, यू नो अमंग द यूथ। तो अब आप उसको कैसे ये करेंगे, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही अर्बन एरियाज में बीजेपी को सपोर्ट है और सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में नहीं है। मुझे लगा थर्ड फेज में, मुझे लगा फर्स्ट दो फेजेस में नजर नहीं आया था, लेकिन थर्ड फेज में मुझे लगा, और इसको आप मान लीजिए कि यह है। राकेश कठाई साहब, मैंने उत्तराखंड के बारे में बता दिया, प्लीज ये अभी मैं पोस्ट कर दूंगा तो आप देखिएगा मैंने 3-4 मरतबा उत्तराखंड के बारे में बताया है। सुरेश पांडे साहब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी को ओवरऑल 40 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, आई डोंट नो, कुड बी। सॉरी मैं आपको चाय के बारे में नहीं पूछ सकता, मुझे चाय की बहुत ख्वाहिश हो रही थी, लेकिन मैंने आपको वादा भी किया था कि आई वॉन्ट टू कम एंड स्पीक टू यू गाइस। नहीं, तीन फेजेस के बारे में जाकिर अली खान पूछ रहे हैं कि तीन फेजेस के बारे में आप पार्टी की पोजीशन दीजिए, मैं नहीं दे सकता। आप 4 फेजेस का और इंतजार कीजिए और तब मैं शायद आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन। जो चीज़ें इम्प्रैक्टिकल हैं और मैं जानता हूं कि वो साइंटिफिक नहीं है, तो मैं मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं आपको मिसलीड करूं और अपनी भी क्रेडिबिलिटी को नष्ट करूं उसी उस प्रोसेस में। हरीश पटेल कह रहे हैं 50-50 इन उत्तराखंड, यू कुड बी राइट। जैसे मैंने कहा कि मुझे लगा था कि बीजेपी आ गया है दिसंबर तक, अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस आ गए, तो यू नेवर नो, इट कुड बी 50-50। दीपक दास भाई, आई लव यू, आई लव यू टू सर। दीपक जी, आई लव यू टू, ये आप लोगों का प्यार है और मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ, मुझे नहीं लगा कि मैं डिजर्व करता हूँ इतने प्यार का, लेकिन आप लोगों का प्यार है और आई फील रियली हम्बल्ड एंड आई एम नॉट जस्ट यूजिंग इट एज अ क्लिशे। देयर इज इंट अ सिंगल टाइम व्हेन आई डोंट यू नो सेट ऑफ थैंक यू गाइज यू नो सीक्रेटली, कि ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों का प्यार है कि इस इतने छोटे से प्लेटफॉर्म को जिसके पास ना पैसा है ना मी द पोलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, और थैंक गॉड पोलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है और कॉरपोरेट हाउसेस का सपोर्ट नहीं है, कोई आय रेवेन्यू नहीं है, और आप लोगों ने इतना बड़ा पावरफुल ब्रांड बना दिया है। तो आप लोगों को मैं जब आप नहीं भी होते हैं तो मैं आप लोगों का धन्यवाद शुक्रिया अदा करता रहता हूं। तो प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट, दैट गिव्स अस करेज कि हम छोटी सी टीम है हमारी और हमें यहां पे ये आपका प्यार और आपकी मोहब्बत ही हमें ये पैशन देता है, हमें पैशनेट बनाता है कि हम एक्स्ट्रा माइल चल करके आपके लिए अच्छी से अच्छी और यू नो ऑब्जेक्टिव खबर ला सकें। तो प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट अस। इज़ इट रिलेटेड टू योर सपोर्ट फॉर चेल्सी, किस बात पर भाई,
यासिर साहब कह रहे हैं कि इज इट रिलेटेड टू योर सपोर्ट फॉर चेल्सी? आई सपोर्ट चेल्सी, वी आर लाइफ लॉन्ग चेल्सी सपोर्टर, मेंबर ऑल्सो, सो उसमें हमें फख्र है, लेकिन आई डोंट नो हाउ इज दैट रिलेटेड टू माई वर्क एज अ जर्नलिस्ट. दिव्यांशु अग्रवाल साहब बहुत अच्छा ये कह रहे हैं कि डू यू थिंक दैट बीजेपी इज मिसिंग सीएम फेस. ये मुझे सेकंड फेज में ये बहुत लाउड एंड क्लियर आया था, कई लोगों ने मुझे ये कहा था कि बीजेपी का जो सीएम फेस है वो शायद बीजेपी को वोट देते अगर उन्होंने वो सीएम का फेस अगर प्रोजेक्ट करते, लेकिन थर्ड फेज में मुझे ये चीजें नहीं आई सामने में, किसी ने इसका जिक्र नहीं किया. ये अफसर रजा साहब ग्रेट जॉब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. एनी वे आई होप आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल हु हैव सेंट क्वेश्चंस. एंड बिंदिया सेठी कह रही हैं कि हु एवर आई हैव स्पोकन टू सेज दे हैव वोटेड फॉर एसपी अलायंस. बिंदिया सेठी जी, पहले दो फेजेस में मैंने कहा था आपको कि एडवांटेज था, मैं आपको थर्ड फेज की बात कर रहा हूँ चूंकि मैं वहां से लौटा हूँ, और लौटने के बाद सिवाय जो एसपी का जो पॉकेट्स है वो जो इटावा पॉकेट्स है, और मैं इटावा पॉकेट्स में सिर्फ इसलिए गया था कि मुझे लोग कई रिपोर्ट्स मिली थी कि वो जो फैक्शनल परिवार में जो फैमिली में जो लड़ाई हुई थी, फ्यूड हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने कहा था कि जो उनके चचा हैं, उनके चचा ने मतलब अपने अंदर ही अंदर यू नो एसपी के खिलाफ कोई साजिश कर दी थी, तो मुझे देखना था, लेकिन ग्राउंड पे मुझे कुछ नजर नहीं आया. ग्राउंड पे मुझे सॉलिड सपोर्ट नजर आया समाजवादी पार्टी के लिए. उसके बाद जब मैं गया तो वहां पे वो सपोर्ट नजर नहीं आया, और लखनऊ में तो बिल्कुल ही नहीं आया संध्या जी, सॉरी बिंदिया जी. तो मैं वहां की बात कर रहा हूं, पहले दो फेजेस में थे एडवांटेज, थर्ड फेजेस में मुझे एडवांटेज नहीं लगे, तो आई हैव टू टेल यू दैट. सर मैंने देखा व्हाट अबाउट फैक याहू साहब पूछ रहे हैं AIMIM के बारे में बताइए. थर्ड फेज में आई डोंट थिंक AIMIM कोई फैक्टर था, मुझे बस भी नजर नहीं आया. सेकंड फेज में मुझे नजर आया था, संभल में नजर आया था, मुरादाबाद के एक दो एरिया में नजर आया था, लेकिन थर्ड फेज में जर्रा बराबर भी नहीं. एक बंदा मुझे नहीं मिला जो ओवैसी की पार्टी को वोट देने के लिए जो कह रहा हो कि वो वोट देगा. यार जुबैर साहब पूछ रहे हैं कि सर आप कभी फतेह के फतवा के भगौड़े को भी कभी बुलाओ उसकी. भाई वो आएगा नहीं, मैं तो उसको कहता हूँ ओपन इनविटेशन है कि कभी आइए हमारे साथ लाइव, फेस टू फेस लाइव ना भी करें, प्री रिकॉर्डेड करें, लेकिन वो आएगा नहीं. उसे पता है कि उसकी कोई भी ऐसी चूंकि तारिक फतेह की एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड यह है कि वो झूठ बोल करके इतने पावरफुल अंदाज में बोलता है, और फिर जब आप जवाब देंगे तो वो आपको जवाब देने नहीं देगा, गाली गलौज पे उतर आएगा. कुछ है नहीं उसके पास, और वो अपने को ही बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वो, तो इस वजह से वो ऐसे लोग आपके सामने आएंगे नहीं. तो मैंने तो ओपन इन्विटेशन दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने अब तक कभी यहाँ ही नहीं भरी है. राजदीप अट्री साहब, मैंने पंजाब के बारे में बता दिया है, प्लीज़ इसको वॉच कर लीजिएगा, मैंने बहुत मरतबा बताया है पंजाब. जावेद अहमद साहब, ईस्टर्न यूपी में अभी अब जा रहा हूँ उधर, तो उधर से फिर मैं आपको बताऊँगा कि ईस्टर्न यूपी का क्या हाल है, तो थोड़ा सा और समय मुझे दीजिए. अजीत सिंह पूछ रहे हैं कि अजीत सिंह का क्या हाल है. वेरी गुड, आपके नेम से जो अजीत सिंह है उनका मुझे हाल अच्छा लगा. जो फर्स्ट फेज में मुझे लगा कि RLD का मुझे एक लगा कि एक स्ट्रांग है वहाँ पे. अब तो देखिए 11 तारीख को होगा, लेकिन हाँ उनका हाल मुझे बहुत अच्छा लगा सेकंड फेज फर्स्ट फेज में. सत्यरंजन साहू कह रहे हैं दिस टाइम नो चांस माई डियर फ्रेंड. पता नहीं किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, मैं कॉन्टेक्ट समझ नहीं पाया ये. पंकज पांडे साहब पूछ रहे दिन में कितने लोगों से मिलकर एनालिसिस ड्रॉ करते हैं साहब. देखिए मैं कोई एनालिसिस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक असेसमेंट आपको दे रहा हूँ. मैं जब जाता हूँ तो 14-15 घंटों के बीच में मैं उसमें कोई ये होता है कि मैं सैकड़ों लोगों से बात करता हूँ और हर तरह के लोगों से बात करता हूँ, तो उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाता है. देखिए सबसे साइंटिफिक तरीका ये होगा कि आप हर घर में जाकर के बात करें, और उसके बाद भी आपको सही क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज आप जानते नहीं कि वो कैसे क्या
सच आपको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो आपको ये सैंपल या आपको एक स्कैटर्ड जब आप लोगों से बात करते हैं फिर आपको एक आइडिया मिल जाता है। यही सैंपल मैंने यूज़ किया था बिहार में, यही सैंपल यूज़ किया था मैंने। अब जैसे मैं दिल्ली का अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली में कृष्णा नगर को सबसे पहले आई एम ग्लैड कि मैंने कहा था कि ये बीजेपी का बेस्टन नहीं है। लोग कहते थे बीजेपी कभी हारी नहीं है, कैसे हार सकती है। मैंने कहा ये सेफ नहीं है। उसकी वजह यह थी कि मैं 3-4 घंटे रात में मैं गुजरा था, तब जनता का रिपोर्टर नहीं होता था, अपने ब्लॉक के लिए मैं जाता था। उसमें मैंने 400-500 लोगों से बात की और मुश्किल से 2 या 3 मुझे बीजेपी के सपोर्टर लगे। तो इट वॉज ईजी फॉर मी टू कंक्लूड, हालांकि मतलब कंस्टिट्यूएंसी तो बहुत बड़ा है, 400-500 लोग नहीं है, लेकिन अगर यू नो अगर आप 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अगर रेडियस में अगर आप घूम रहे हैं, 400-500 लोगों से आपने बात की और उसमें से 3-4 अगर बीजेपी का सपोर्टर मिले तो ये बेस्टन नहीं है ना। फिर कैसा बेस्टन है कि जिसमें सिर्फ 4-5 सपोर्टर मिल रहे हैं बीजेपी के और सारे आपके मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये सीट अब सेफ नहीं है। तो ये यही मैं कहता हूं अब तक, आई मीन ऑन 2 occasions आई हैव बीन राइट, 3rd occasion आई डोंट नो, तो अब तो टाइम बताएगा आने वाला ये। एनीवे तो देखिए अभी बहुत सवाल सब आ रहे हैं लोगों के आपके, इज इट पॉसिबल दैट बीजेपी विल विन एनी सीट एक्सेप्ट इन अर्बन एरियाज, इट इज आल्सो गिविंग इंप्रेशन दैट बीजेपी इज नॉट कंटेस्टेड, माइनॉरिटी वोट्स गेट डिवाइडेड। देखिए मैंने आपको कहा कि अर्बन एरियाज में बीजेपी का है प्रेजेंस है, लेकिन दैट डजंट मीन के यू नो अर्बन एरियाज में वो सीट जीत भी लेगी। मैंने सिर्फ लखनऊ के बारे में कहा था और एक दो और अर्बन पॉकेट्स में मुझे थर्ड फेजेस में नजर आया था, लेकिन दैट डजंट मीन के लखनऊ में तो मुझे लग रहा था कि कुछ सीटें निकाल लेंगे ये बीजेपी वाले, लेकिन दूसरी जगहों पे दे हैव विजिबिलिटी, दे सपोर्ट, बस दैट नॉट टू से हाथी का सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो साइलेंट है, वो बोल नहीं रहे हैं बहुत ओपनली। तो डोंट बी सरप्राइज कि अगर वो वहाँ पे मायावती की पार्टी बाजी मार के लेके चली जाए। एनीवे तो आई होप के ये कॉन्वर्सेशन यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन, और बाकी जो है वी विल बी टॉकिंग। आई एम प्लानिंग टू डू लाइव फेसबुक लाइव। मसला ये होता है कि यूपी में 4G कनेक्शन बहुत कमज़ोर होता है, तो मैंने कोशिश भी किया था नहीं हुआ, तो मैंने फिर रिकॉर्ड कर करके के इंटरव्यू डाला था। पंजाब में फिर भी बेहतर था, तो मैं कोशिश फिर भी होगा कि जब मैं जाऊँगा वाराणसी से, मैं सोच रहा था कि वहाँ से भी लाइव करूँगा आपके लिए घाट से, और आपको वहाँ पे कुछ लोगों से भी मिलवाऊँगा, कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड अगर आए तो उनके साथ बैठ करके वो भी आपके सवाल का जवाब देंगे। तो कोशिश होगी, फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विल डू दैट। इन द मीन टाइम चलिए काफ़ी देर भी हो गई है, तो आई वॉन्ट टेक टू मच टाइम ऑफ योर्स, आई विल गो थ्रू योर क्वेश्चन एंड होपफुली यू नो सर्ट ऑफ रिमेंबर टू आंसर देम इन माई नेक्स्ट फेसबुक लाइव। टिल देन यू टेक केयर एंड गुड।